तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 29 अगस्त 2020 शनिवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रह योगों के प्रभाव के कारण आज 12 में से 7 राशि वालों को आर्थिक लाभ के योग हैं, वहीं अन्य राशि वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी है, इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, ढोल ग्यारस भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर प्राप्त होता है। तो इसका वीडियो हमने बनाया है जो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आज दिन की शुरुआत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से होगी और आज धनु राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज सरकार के द्वारा आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग हैं, भौतिक विकास का अच्छा योग आपके लिए है। अगर आप किसी न्यायिक मामले में उलझे हुए हैं तो आज स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो आपके ही पक्ष में उसका निराकरण हो पाएगा। सायंकाल का समय बहुत दिनों से अटकी हुई खास डील फाइनल होने का रहेगा या कोई खास कार्य आपका संपन्न हो सकेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता के मंदिर में तेल का दान करें, काले तिल का दान करें और शनि देवता के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका ध्यान जो है कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं में ज़्यादा रहेगा जो आपके लिए फायदेमंद है और साथ के किसी धार्मिक जगह पर जाने के योग बन सकते हैं। परिवार के साथ घूमने फिरने का योग बन सकता है जहां आपके मन को सुकून मिलेगा। दोपहर के पश्चात कानूनी विवाद में सफलता के योग हैं, साथ ही कई तरह की उलझनों के बावजूद आज आपके पराक्रम और विश्वास में वृद्धि होगी। आज कार्य क्षेत्र में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा जिससे अच्छे से कार्य आप संपन्न कर पाएंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मध्यम है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन मध्यम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के निमित्त शनि देवता के मंदिर में तिल का दान करें, काले तिल का दान करें, काले वस्त्र का दान करें और बैठ करके श्री शनि चालीसा का जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी रचनात्मक रहने वाला है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करेंगे जिसमें पूरा दिन आपका लग सकता है। आज आपको कई दिनों के बाद मानसिक शांति प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में नई योजना या नए आइडियाज आज आपको आ सकते हैं जिसमें सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। आज जो भी प्लानिंग आप करेंगे उसमें आप काफ़ी सफल रहेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका क्रीम कलर है। क्रीम कलर का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में
काले उड़द का दान करें और लोहा दान करें, यथाशक्ति शनि देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए सृजनात्मक रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसका फल भी आपको समय के अनुसार मिलेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और महत्वपूर्ण चर्चाएं या प्लानिंग आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विचारों के मुताबिक माहौल बन जाएगा जिससे आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। सायंकाल के समय किसी मंगल कार्य में जाने का अवसर आज आपको मिल सकता है जिसमें मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के निमित्त गरीब लोगों को वस्त्र धन आदि देकर के संतुष्ट करें और शनि देवता के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है लेकिन धर्म आध्यात्म के मामले में आप थोड़ा समय निकाल लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे और आपकी सौम्य वाणी पर हर काम को आप आसान कर पाएंगे। विनम्र व्यवहार से ही आज आप कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में तेल का दीपक जला करके स्टील की कटोरी में तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख करके शनि देवता के मंदिर में दान करें और अनाज का दान करें। बैठ करके शनि चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज व्यवहार और वाणी पर संयम व सावधानी आपको बरतना चाहिए, अन्यथा आसपास के लोगों से टकराव की नौबत आ जा सकती है। आज प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी जिसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन आप भाग्य के भरोसे काम करेंगे और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में काली ध्वजा और काले वस्त्र अर्पण करें, काले उड़द अर्पण करें और बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। कार्य व्यवहार से जुड़े काफी दिन पुराने विवाद आज सुलझ सकते हैं। साथ ही नए प्रोजेक्ट पर कुछ काम करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले में कुछ रिश्तेदारों से आपको परेशानी हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको शुभ समाचार व सहयोग मिलेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, मिठाई का भोग लगावें, बैठ करके श्री शनि चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए सुकून भरा रहेगा। दिन भर लाभ के कई अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। विज्ञान आदि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
साथ ही नौकरी व व्यापार में आपके नए कार्य से आपको आगे चलकर के उसका लाभ मिल पाएगा। साथ ही काम में नई जान भी आएगी। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिल जाएगी। तो आज मन लगा करके मेहनत आप करते रहें, आप सफल रहेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका जामुनी रंग है। जामुनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में जाएं, गंध पुष्प अक्षत अर्पण करें, नीला पुष्प अर्पण करें, काले तिल अर्पण करें और चिरौंजी का भोग अर्पण करें। बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। बिजनेस के मामले में थोड़ा जोखिम लेंगे तो लाभ मिलेगा। रोजमर्रा के कार्यों में आज कुछ नए काम हाथ में लगेंगे, आपको फायदा भी मिलेगा और किसी अपने के लिए पैसों का इंतजाम आज आपको करना पड़ सकता है। संतान की तरफ से कुछ परेशानियां आज आपको हो सकती है। साथ ही परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नया अवसर आज आपके आसपास ही रहेगा, अवसर का लाभ अवश्य लें। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका जामुनी रंग है। जामुनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में काले वस्त्र में तिल रख करके दान करें, अनाज का दान करें और बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में किया गया व्यापार भविष्य में फायदा आपको देगा। घर के जरूरी कार्यों को करने का दिन अच्छा है। साथ ही संतान से संबंधित कोई बड़ा फैसला या निर्णय आप ले सकते हैं। किसी भी कानून को ना तोड़ें, अन्यथा मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आज कई प्रकार के काम एक साथ में लेने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। एक एक काम को समय के अनुसार आप करते रहेंगे तो आप सफल रहेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में जाएं और एक कटोरी में तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख करके शनि देवता को अर्पण करें, मिठाई का भोग अर्पण करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खानपान में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें। व्यापार व्यवसाय के मामले में आज का दिन काफ़ी सुखद रहेगा, फायदेमंद रहेगा। बड़े भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, इसलिए किसी भी कार्य में जल्दबाजी आज नहीं करें। शेयर बाजार और लॉटरी से लाभ की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न, संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में तेल का दान करें, गरीबों को वस्त्र आदि का दान करें और शनि देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। पारिवारिक या सामाजिक परेशानियों को धैर्य मृदु व्यवहार से, मधुर व्यवहार से आप ठीक कर पाएंगे। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनके ही सहयोग से सभी कार्यों में सफलता के योग हैं। आज विवाह संबंधित विषयों में परिवार का सहयोग मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनको विवाह प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है।
शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में अनाज का दान करें और ऋतुफल अर्पण करें। बैठ करके शनि चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।